हाय गाइस, कैसे हो? तो चलिए आज बनाने जा रहे हैं वेज फिरेंगी। तो ये वेज फिरेंगी देखिए बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ मैंने, बहुत ही कम समय में आप ये बना के तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने कटोरी के अंदर लिए विनेगर, लगभग 3 चम्मच मैंने विनेगर लिए है। इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्ची को कट करके डाल देती हूँ। तो मैं देखिए बच्चों के लिए बना रहे हूँ तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम सामान से, मसाले से मैं आपको बना के बता रही हूँ। कभी भी आपको जैसे टिफिन में डालना हो, ऐसे भी बनाना हो तो आप आराम से बना सकते हैं। अब बना लेते हैं वेज फिरेंगी का मसाला। तो इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला और स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। सारा मसाला डाल के मैं अच्छे से कर लिया है मिक्स। ये है वेज फिरेंगी के जान, ये मसाला बनाना बहुत ही ज़रूरी है और ये मसाला बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो एक मैंने पैन ले लिया है, कोई भी आप फ्राई पैन या ऐसे पैन ले सकते हैं। इसके अंदर 2 चम्मच में तेल डाल दिए, जो भी आपके पास तेल जो यूज में लेते हो वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर डाल दिया मैंने 5-6 कली डाल दिए लहसुन की कट करके और थोड़ी सी डाल दिए 1 इंच अदरक को कट करके। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो रखिए और जैसे मेरे तरीके से आप एक पर बना के देखोगे तो आप मार्केट की वेज फ्राई खाना भूल जाओगे और जब भी आपकी इच्छा होगी तो आप घर पे बना के तैयारी करके खाओगे। बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत कम समय में आप बना सकते हैं। हमें इसके अंदर डाल दिए 1 मोटी वाली मिर्ची। तो मिर्ची देखिए जैसे आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्ची और डाल सकते हैं छोटी वाली, या आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ, इस हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ इसके अंदर। अब थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया। तो हरा धनिया देखिए जैसे अपन मिर्च लहसुन ये फ्राई करते हैं उस टाइम हरा धनिया डालते हैं, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं डाल दिया इसके अंदर 1/2 चम्मच डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 चम्मच छोटी चम्मच से डाल दिया मैंने धनिया पाउडर और नमक देखिए बाद में डाल देती हूँ, स्वाद के हिसाब से डालिए नमक। अब जो आलू उबाल के रखा मैंने, 4-5 आलू उबाल के रखा, उस आलू को हाथों से मेस कर देना है, क्योंकि हाथों से करोगे तो पूरा एकदम मेस नहीं होगा, हल्का हल्का ये मोटा रहेगा आलू तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर डाल दिए मैं नमक। तो नमक देखिए आपके हिसाब से डालिए, क्योंकि जैसे ये वेज फिरेंगी का मसाला बना के रखा, अब मैं मसाला डाल रही हूँ, 2 चम्मच में वेज फिरेंगी का जो मसाला बना के रखा पहले वो डाल दिया, तो इसके अंदर भी नमक है इसलिए नमक उस हिसाब से आप डालिए। तो ये देखिए मसाला डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट इसको इस तरीके से मसाले को पका लेते हैं। तो 2-3 मिनट पका लेते हैं, आलू में कच्चापन भी नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से पकेगा। और इस टाइम देखिए टेस्ट करके देख लीजिए, आपको जैसे जो भी मसाला कम लगे तो आप मसाला और डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया। तो हरा धनिया भी आपके हिसाब से देखिए आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं, जैसे बच्चे मसाला कम खाते हैं उस हिसाब से मैं बना के तैयारी कर रही हूँ। आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए ये मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसका बना लेते हैं रोल्स। तो इसका ये देखिए, क्योंकि मैंने वेज फिरेंगी की जो रोटियां बना के रखी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी रोटियां बना के रखी है, इस हिसाब से मैं देखिए रोल्स बना रही हूँ। तो वेज फिरेंगी की रोटी आपको बनाना है तो मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जाके बना सकते हैं। और सिंपल तरीके से जैसे अपन रोटी बनाते हैं वैसे आपको रोटी बनानी है तो वो भी मैं वीडियो बना के फिर आगे डालती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारे रोल्स बना के तैयारी कर लेती हूँ और ये बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आपको ऐसे रहता है कि टिफिन में क्या डाले, वैसे बच्चों को क्या बना के दे,
तब कभी भी आपकी इच्छा थे तो आप बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा डाला है इसके अंदर घी, घी या तेल आप जो इच्छा वो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा 2 छोटी चम्मच से कम मैंने देखिए तेल डाला है। अच्छे से भूज से चारों ओर इसके फ्राई के पैन के लगा देते हैं। अब इसके अंदर रख देते हैं रोल्स और ये रख के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको डीप फ्राई कर लेना है, जैसे भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर लीजिए। थोड़ा सा तेल घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर ये मुझे काफ़ी लग रहा है। तो इनसे देखिए जैसे ही एक साइड से ये पकेगा तो दूसरी साइड से पलट के और दोनों साइड से इसको अच्छे से ऐसा कलर गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे रोल्स फ्राई करके तैयारी कर लेते हैं। कलर भी देखिए इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी किचन में खुशबू आ रही है। ये देखिए मेरे पास फ्रेंकी के लिए रोटियां बना के रख रखी है, तो इनसे मैं अब आपको रोल्स बना के बता रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा घी डाल लेती हूँ फ्राई पैन के ऊपर तवे पर, और तवे पर थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी सी रोटियों को फिर से मैं गर्म कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और आप भी ऐसे रोल्स बना के देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका रोल्स कैसे बने। खाने में मैं आपको सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए, और आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर लगा दिया हरी चटनी। तो हरी चटनी में मैं आपको पहले भी बता दिया कि जिस हिसाब से आप मसाला खाते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर हरी चटनी लगाई है, हल्की सी मैंने मोटी चटनी पीस के रख रखी खाने के लिए, वो चटनी मैं इसके ऊपर लगाती है। अब इसके ऊपर डाल देती हूँ पत्ता गोभी को कट करके, जैसे पत्ता गोभी का लगा देती हूँ। प्याज की लच्छे जैसे कट करके प्याज डाल देती हूँ। इस टाइम आपको पसंद है वो सब्ज़ी आप डाल सकते हैं। खूब सारे आप लच्छों में कट करके हरा धनिया डाल सकते हैं, या आप शिमला मिर्च वगैरह वो भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए वेज फ्रेंकी की ये है जान, ये मैं डाल देती हूँ। इनके बगैर ये टेस्टी नहीं बनेगा, इनसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखिए विनेगर में मिर्ची डाल के रखी, वो मिर्ची मैं इसके अंदर डाल दी है। अब थोड़ा सा ये फ्रेंकी का मसाला भी इसके ऊपर डाल देते। अब इसके ऊपर जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप हरा धनिया शिमला मिर्ची वो डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ चीज़। तो चीज़ देखिए जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं। तो मेरे पास देखिए अमूल की चीज़ थी, तो वो मैं चीज़ थोड़ी सी मैं ये सोच रही कि इनसे कस के डाल देती हूँ। तो ये क्या फ्रिज के अंदर नहीं रखी हुई थी तो आराम से जल्दी से नहीं कसी जा रही, पर थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ये कस के डालती है। अब थोड़ा सा डाला मैं हरा धनिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मसाले, इसलिए अब इसको इस तरीके से एक टाइट हाथों से पकड़ के और अच्छे से इसको रोल्स बना देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा रोल्स बन के तैयारी हुआ है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो चलिए अब आप इसके लगा दीजिए टिश्यू पेपर और लगा के पकड़ के इस हिसाब से और बच्चों को दे दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप भी इस हिसाब से बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। और आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से आप सॉस लगा के भी बना सकते हैं या हरी चटनी लगा के भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।